जीतने की खुशी मनाएं या डिवोर्स होने का गम। नमस्कार, मैं आपके साथ गीत स्वागत करती हूं व्यूवा पर चर्चा में। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ 2024 में 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर भारत ले आए हैं। 2024 का लास्ट T20 मैच में इंडियन क्रिकेट टीम का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ था, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने 7 रनों से बाजी मार ली थी। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की खुशी जितनी इंडियन क्रिकेट टीम को है, उतनी ही खुशी पूरे भारत देश को भी है। आखिरकार ये ट्रॉफी 17 साल बाद भारत देश में जो आई है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जीतने की खुशी अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट की। कुछ लोगों ने वही स्टेडियम में तो कुछ लोगों ने अपने घर वापस आकर। उसी तरह हार्दिक पांड्या ने भी अपनी खुशी अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करके अपने बेटे अगस्त्य के साथ सेलिब्रेट की, जिससे जुड़ी उन्होंने एक फोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें वो जीतने की खुशी के साथ साथ अपने पिता होने का भी फर्ज निभाते हुए नजर आए। फोटो इतनी प्यारी है कि साफ जाहिर होता है कि बाप बेटे का रिश्ता बहुत ही गहरा है। लेकिन जिस तरह इस फोटो में जितना प्यार था, उसी तरह इसमें कोई एक इंसान मिसिंग भी था, और वो थी नताशा स्टैनकोविक। हार्दिक पांड्या की पोस्ट पर जितने कॉन्ग्रेचुलेशन की वेल विशेस आई हैं, उतने ही नताशा मिसिंग के कमेंट्स भी। फैंस बोले, भाई भाभी कहाँ है, नताशा मिसिंग लग रही है इसमें, वेयर इज नताशा, और भाई कुछ तो गड़बड़ है, नताशा नहीं दिख रही। जो कि बात सच है, आखिर कहाँ है नताशा, आखिर क्यों नताशा हार्दिक की खुशी में शामिल नहीं है, क्यों नताशा ने अभी तक हार्दिक पांड्या को जीतने की बधाइयां नहीं दी हैं। कुछ समय पहले नताशा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें वो कार में बैठी हुई थी और बाइबल हाथ में ली हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज को पढ़ने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, जिसकी मुझे अभी सुनने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये बाइबल अपने साथ रखी हुई है। जिससे शायद वो इनडायरेक्टली ये मैसेज कंफर्म कर रही हैं कि पांड्या और नताशा का फाइनल डिवोर्स हो चुका है। हाल ही में कुछ समय पहले हार्दिक और नताशा अपने डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में थे, क्योंकि नताशा स्टैनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हार्दिक पांड्या के साथ अपनी शादी की पिक्चर्स और अपने नेम में से पांड्या सरनेम हटा दिया था, जिसकी वजह से डिवोर्स की अफवाह फैल चुकी थी। लेकिन 70% शेयर वाली बात जब शुरू हुई तो वो बात वहीं थम गई थी। अगर इनके रिश्ते की बात करें तो इन्होंने पहले कहा था कि ये दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लिविंग रिलेशनशिप में हैं, फिर एकदम से खबर सामने आई कि नताशा प्रेग्नेंट है, जिसको छुपाने के लिए उन दोनों ने हड़बड़ी में शादी कर ली थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन दोनों पर रिश्ते निभाने का कोई भी बाउंडेशंस नहीं थी। अगर कोई मजबूरी थी तो वो नताशा और हार्दिक पांड्या को बेटा अगस्त्य था, लेकिन अब वो भी शायद नहीं रहेगा, क्योंकि अभी के हालातों पर नजर डालें तो उससे साफ जाहिर होता है कि नताशा और हार्दिक पांड्या जल्द ही डिवोर्स ले लेंगे और उसी से जुड़ी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वी युवा चैनल पर।